पीसीसी के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान से 2 बार मुख्यमंत्री रहे और निश्चित तौर पर सर्वाधिक लोकप्रिय, सब जब भी कोई सर्वे आता है, चाहे आप राजस्थान में रहें, गुजरात में रहें, दिल्ली में रहें, अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर होता है। तो ये आखिर यूएसपी क्या है जनता में इस लोकप्रियता की? सर्वे तो होते रहते हैं, सर्वे कभी राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान में हम लोग सब एकजुट होकर के निकल पड़े हैं और जो रैली हो रही चित्तौड़ में हो, चाहे चूरू में हो, चाहे अभी वो पचपदरा में हुई थी, अब देखा होगा कि जनता का जो आक्रोश है सरकार के प्रति वो खुल के सामने आया है। वसुंधरा राजे जी कह रही हैं कि मेरे पास गिनाने को बहुत कुछ है, इसलिए गौरव यात्रा निकाल रही हूँ। तो संकल्प यात्रा और गौरव यात्रा, कैसे संकल्प कांग्रेस का पूरा होगा? आप बताइए कि अगर कहने को बहुत कुछ है, गिनाने के लिए निकली है, तो जो काम किया तो गिनाने की जरूरत ही क्या है? इतनी तो जनता की याददाश्त है, वसुंधरा जी को भ्रम नहीं होना चाहिए उनकी याददाश्त नहीं है। अगर काम किया वसुंधरा जी ने तो जाके बताने की जरूरत नहीं उनको, वहाँ की जनता खुद समझती है कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे ब्लॉक में, हमारे जिले में ये काम हुए हैं। पर ये जो तरीका अपनाया इन्होंने फिजूल खर्ची का, इसको लेके हमें ऐतराज है कि आप प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो, बेनिफिशरी को बुला रहे हो, बसों के अंदर कलेक्टर के थ्रू सारे खर्चे हो रहे हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हो बिना मतलब के, और महामहिम राज्यपाल महोदय बैठे हुए हैं, उनकी प्रेजेंस में वो मीटिंग बीजेपी के प्लेटफॉर्म की तरह मीटिंग हुई, आम सभा की तरह मीटिंग हुई है। आज तक देश में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करो। अगर ये इनकी निष्पक्ष होती तो वो आंदोलन उग्र होता ही नहीं। उसके बाद में वापस बंद किया था तो कहाँ आंदोलन हुआ, कहीं कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। तो पहले भी ये कर सकते थे, पर इनकी फितरत में है कि जातियों को लड़ो आपस के अंदर, और उसके साथ में आप धर्म के नाम पर राजनीति करो। एक तरफ तो बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, तो क्या एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं है क्या? तो आप क्यों लड़वा रहे हो एससी एसटी को, जनरल कास्ट को, सबको साथ मिला के चलो, तब जाके देश की तरक्की होगी। सर एक आखिरी सवाल, गुजरात में सीएम फेस नहीं होने का नुकसान हुआ तो आपको नहीं लगता राजस्थान? आखिरी सवाल कई हो चुके हैं, धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि धर्म की राजनीति करती है भाजपा, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। गौरव यात्रा को लेकर भी अशोक गहलोत ने निशाना साधा और कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।